नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल में। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बाज़ार में मिलने वाली नमकीन मूंगफली या सॉल्टेड पीनट। इसको घर पे कैसे आसानी से बना सकते हैं इसको देखते हैं। ये हमने यहाँ पे पीनट ले लिया है, 250 ग्राम करीब पीनट है। मूंगफली इसमें डाल देंगे हम, नमक यहाँ पे, नमक थोड़ा ज़्यादा नमक लगेगा क्योंकि ये सॉल्टेड पीनट बन रहा है। और इसको पानी में घोल करके यहाँ पे हमने 2 छोटे चम्मच ले लिए भर के। अब इसमें डाल देंगे पानी, पानी डाल करके इसको मिक्स कर देंगे। को छोड़ देंगे 20-25 मिनट के लिए, जिससे कि ये जो नमक वाला पानी है इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और ये पीनट जो भुनेंगे उसके बाद ये नमकीन बनेगी। दोस्तों मैं दूसरा तरीका आपको, ये पानी हमने खौला लिया है, ये दूसरा तरीका भी बताएंगे। पानी खौला लिया है, अब इसमें डाल देंगे ये पीनट, उतना ही पीनट है। और इसमें भी उतना ही नमक डाल देंगे, इसको भी मिक्स करके उतने समय के लिए ही रख देंगे। इसको 20 मिनट हो गया है रखे हुए, अब इसको छान लेते हैं ताकि इसका पानी जो है वो अलग हो जाए। इसका पानी हमने अलग कर लिया है। अभी हमने यहाँ पे एक आयरन की कढ़ाई ले ली है, अब इसमें हम नमक डालेंगे। इस नमक को हमने कई बार यूज़ किया है इसलिए देख सकते हैं आप थोड़ा सा कालापन है इस नमक में, कई बार यूज़ कर लिया है इसको। और इसको गर्म होने देते हैं, ये नमक अच्छा गर्म हो गया है। अब इसमें ये मूंगफली डाल देंगे और फ्लेम को तेज ही रखेंगे। भून लेंगे इसको। देखिए इसको 4-5 मिनट हो गए हैं, अब इसमें से ये चिटकने की और फटने की आवाज़ें आने लगी हैं। अब इसको थोड़ी देर और करेंगे, इसको सावधानी से करें क्योंकि ये छिटक भी सकता है और शरीर पर भी आ सकता है। देखिए ये पूरी तरीके से भून चुका है, उसको छान लेते हैं। देखिए हमने इसको भून लिया है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। और ये अभी थोड़ी देर बाद ठंडा होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा करारे हो जाएंगे और ये बीच से चिटक भी गई हैं ये। तो आप इसको छिलका सहित खाएं या फिर छील करके खाएं, दोनों स्थिति में ये काफ़ी मज़ेदार होगा। देखिए दोस्तों हमने दोनों तरह से भून लिया है, ये बिना गर्म पानी में भिगोया हुआ और ये गर्म पानी में भिगोया हुआ, दोनों को सेम टाइम तक भुना है। और ये काफ़ी 1 घंटे बाद मैं दिखा रहा हूँ, इसको ठंडे हो गए हैं अच्छे से और ये थोड़ा दिखने में भी बड़े लग रहे हैं। जो
गर्म पानी में भिगोया था। पहले कलर का टेस्ट कर लेते हैं। देखिए ये वाला कुछ ज़्यादा अच्छा कलर आया है इसका। और अब बारी है इसको छिलका निकाल के देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा लेते हैं, 3-4 बार घुमा लिया, ठीक है, आसानी से निकल गया छिलका इसका भी। इसका दिखाते हैं आपको, इसका और भी आसानी से निकल रहा है छिलका, बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल रहा है। तो छिलका निकलने में भी ये काफ़ी इजी है, जिसको हमने गर्म पानी में भिगोया था। अभी इसको क्रंचीनेस टेस्ट करेंगे। क्रंचीनेस में लगभग दोनों बराबर हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा, आपको अगर बनाना है तो ये वाला मेथड बेस्ट रहेगा, गर्म पानी में भिगो करके बनाएं। और फ्रेंड्स ये हमारे चैनल पर ही होता है, हम आपके लिए ऐसे प्रयोग करते हैं ताकि आप बना सकें बेहतर से सुपर। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, थैंक यू।